अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिल्लज़ी नस्तफा। आई सब पढ़ो ना बिस्मिल। बहुत देर हो गई, अपने साथी है अपने नाल एक दोस्त नूं लिया। दोस्त का था मेरा एक बच्चा समझो कि वो वालद मेरे दोस्त होंगे। बिल्कुल छोटी उम्र से इकट्ठे इजमा करते सी, दरस देंदे सी। बहुत हो गए, बहुत नेक आदमी सी। मस्जिद उन्होंने शुरू की थी, मदरसा चक तुमरे दे कोल। बहुत हो तो बच्चा आया थी, अब्बा जी तो बाद तुहाडे को आया। तो मस्जिद गरीब आदमी है, मस्जिद और मदरसा जिहड़ा उन्होंने शुरू किया। वो तुम अल्लाह तआला तौफीक देता, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करो। ये बहुत दिनों तो टलता आया, कई जुम्मे लंघ है। अज का जुम्मा जिन्हें अल्लाह तआला बरकत दे, तौफीक दे, कर दो ये खिदमत। मस्जिद जब तक कायम रहेगी, मदरसा रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तआला बरकत दो। अब्दुल हमीद शहदा साहब मेरे भाइयों की तरह, अल्लाह उन्होंने जन्नत उल फिरदौस जगह दे। बहुत अच्छे दोस्तों चो सी, दुनिया तो चले गए। बंदा बहुत नेक सी। इस तो मदरसा मस्जिद जी कायम रहे, मेरे तुहाड़े लई सदका जारी आऊगा। फिर के सारे दोस्त जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तौफीक दे, इहोजे मौकियां दे दीन दी खिदमत कर दिया करो। इंशाअल्लाह तुहाडे वी अरमान अब्दुल हमीद साहब दी रूह दी मी साड़ी तरफों ये नजराना होगा। एडे अपने दोस्त से इंशाअल्लाह उन्होंने भी खुशी होगी, मौला ने इन्नी मदद बाद ने भलाया। भाइयों की जरा अल्लाह तौफीक दे कर दे। लाहौर में यक रोज़ा तरबियत गाह ऐलान दे, तहरीक इस्लामी पंजाब के ज़ेर एहतमाम यक रोज़ा तरबियत गाह मुनक़द हो रही है। बरोज़ एतवार बतारीख 6/7/2008 6 जुलाई। जो हज़रात शिरकत करना चाहते हों वो आइंदा जुमा तो मुबारक यानी 4 जुलाई तक नाम लिखवा दें। मास्टर आबद साहब की तरफ रान अगला जरा जुमा उस तो अगला एतवार जरा होना 8 दिन बाद, तो 6 जुलाई ने एक दिन वास्ते लाहौर तरबियत गाह। अल्लाह तौफीक दे वक्त कढ़ लिया करो, अल्लाह के दीन वास्ते जरा वक्त देना इंशाअल्लाह कारामा साबित। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ایک سوال سی حاجی امدری صاحب او کد کو او یاد آ گیا دیوانہ صاحب حاجی صاحب سامنا بعد اپنے دوست یار امدری صاحب انہوں نے لکھیا अगर कोई फाहिशा लड़की और या फाहिश लड़का या मर्द दोनों आपस में शादी करना चाहते हों और उनके ख़ानदान वाले नाम मानते हों तो इस बारे में क्या करना चाहिए और आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। मदद फरमाकर शुक्रिया का मौका दें, मेहरबानी होगी। मेहरबानी फरमाकर कोई वजीफा बता दें। वजीफा ने तो की करना जो योजे लड़के लड़कियाँ आपस तुल जान निकाह करते तो वजीफे उन्होंने चलो पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तआला उन्होंने दिल फेरे। मगर सही हाल यही है जेडे योजे फाहिश मर्द और औरतान उन्हों का निकाह करना चाहिए बजाय जो लड़की किसी नेक दे गल पाई जाए। अगर वह बदकार है तो बदकार के हवाले होने चाहिए, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर ने उन्हों का यही सी बेदारा जो कुंवारे कुंवरियाँ आते बदकारी की 100-100 कौड़ा मारते तो उत्थे ही निकाह पढ़ देते। तो बदकारी जो करते जाओ हलाल तरीके जिंदगी गुजारो तो बजाय जो गंदगी एवं दूसरे घर फैलाई जाए। अगर यहोजाई है तो आपस से राजी है तो कानू रुकावट पानी है, तुम कोई होर शरीफ बच्ची लभदे फिरोगे या कोई बेटा कुछ नहीं फायदा। यहोजा हवाले करो रब दे, आपे भुगतते फिरनगे अगर उन्होंने नीयत इन्हें निकाह कर देने की। जेड़े नहीं करते नतीजा बुरा ही वेखीदा, नेक बच्ची लिया के देंगे वो बर्ताव नहीं अच्छा करते, तलाक तक नौबत पहुँचती है, कुछ नहीं फायदा। तो यह जे बदकार बदकार ना जिमें कुरान पाक ने आखना कि जानी मर्द ना जानी औरत का निकाह करो, जानी औरत ना जानी मर्द का करो, वह होर रहमदाल करल मोमिन मोमना से निकाह हराम है। होर शरीफ आदमी कानू फसा उन्होंने कहमत ही। बाकी अगर वो मनाए जा सकते भी चलो हूँ जो किसी कर लिया होनी कोई नेक रस्ते तो चलो कुछ कर लो, मगर मसला दस कि बुरे का बुरे ना साथ है, नेक का नेक ना साथ। नेकों को जोड़ना चाहिए, बुरिया बुरिया ही जोड़ देना चाहिए। तुम अपना गंद आप ही संभालो। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شر اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم منزل الكتاب مجري الصحاب سري الحساب هازم العذاب اللهم اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وذلهم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون